बहुत ही सुंदर विजय को वहां टैकल किया। देवी धन बॉल को जीतने की कोशिश में है, हालांकि विपक्षी डिफेंडर जो कि सिल्वा के रूप में, सिल्वा बहुत ही सुंदर अपने साथी खिलाड़ी के लिए बॉल को बढ़ाया था। बहुत ही खूबसूरत पास, इस बार बॉल को बताया वहां पर जसिंग परे बहुत ही सुंदर तरीके से लगभग यहां पर डेंजर एरिया में बॉल दूस चुकी है। खतरा तो जरूर मंडरा रहा था, लेकिन बॉल को रक्षक पत्ती ने बहुत ही सुंदर तरीके से डिफेंस किया और बॉल आगे की ओर बॉल को बढ़ा दिया है। इस बार काउंटर अटैक खिलाड़ी को वहां पर रिबॉल करके आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन मेन मार्किंग बहुत ही टाइट था वहां पर आसिफ खान का और तुरंत ही बॉल को बढ़ा दिया। जब से नंबर आए थोड़ा सा वहां पर मिस पास किया और मिडफील्ड में बॉल को बढ़ा दिया। इस टीम के बेहतरीन फॉरवर्ड खिलाड़ी जैक्सन बहुत ही सुंदर खेल दिखाते हुए सभी देशी मूल के खिलाड़ी इस समय सौर्य नजर बहुत दो महेशपुर की टीम से खेल रहे हैं। जर्सी नंबर पहने हुए विदेशी मूल के खिलाड़ी है कि बॉल को बढ़ाया वहां पर होल्डिंग मिडफील्ड के खिलाड़ी बॉल को आगे की ओर वहां पर शॉट मारने बढ़ाया, लेकिन रक्षक पंती ने खड़े खड़े अपने छत्र से बॉल को क्लियर कर दिया है। वहां पर जोएल हेम्ब्रम ने बहुत ही तगड़ा कॉन्टेस्ट अभी तक देखने को मिलता, लेकिन किसी तरफ से गोल नहीं हो पाया है। दोनों टीम यहां पर अब समझते इस मैच की वैल्यू को समझ रहे हैं कि यहां से जीतना बेहद जरूरी है अगर इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचना है। मेडिकल के लिए इशारा कर दिया है, एक खिलाड़ी थोड़ा सा चोटिल हो गए थे। अब थोड़ा सा दोनों टीम को अब प्लान भी अप्लाई करना होगा मार्शल, क्योंकि दोनों टीम ने जिस तरह से अभी तक का खेल दिखाया है दोनों टीम नाकामयाब रहे हैं। जी यहाँ पर दोनों टीम को प्लान, नया प्लान को अप्लाई करना होगा। अगर आपका प्लान ए वहां पर काम नहीं करे तो आप प्लान बी वहां पर यूज करें ताकि आप स्कोर करें। और यहाँ पर 1,000 रुपये का ऑफर जा चुका है, कल भी मैं याद करता हूँ। ऐसे ही हमारे जो मुखिया साहब है यहाँ सामाजिक विकास गौर जी, कल का देखते थे ऐसे ही उन्होंने ऑफर रखा था और आज खिलाड़ियों को उत्साहित करने के लिए मैच में इंटरेस्टिंग और रोचकता को जगाने के लिए ये सारा चीज किया जा रहा है, उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और उनका भी एक बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस टूर्नामेंट को आकार देने के लिए और यहाँ पर फिलहाल एक खड़ी गाजीपुर है ना, लेकिन यहाँ से अभी तक दोनों टीम का स्कोर लाइन शून्य की बराबरी में ही। अब सेकेंड हाफ का ये समय भी आधा से अधिक अब निकल चुकी है। अब यहाँ पर देखना है कम समय में कौन सा टीम इस मैच में जीत दर्ज करेगा और अपना राउंड की ओर नजर बना लेंगे। पिया झंडी वाला था, महिलाएं पहुंचने लगी है इसलिए धीरे धीरे इस मेन स्टेज के सामने वाले जितने भी चेयर में आप लोग बैठे हुए हैं कमिटी के आदेश है, फिर क्या करके आप लोग जगह छोड़ने का कृपा करेंगे। इसी बीच बॉल के साथ तेजी से बॉल को बढ़ा दिया, बॉल पोजिशन दोनों टीम ने अपने हाथ में रखा जरूर है, लगभग 50-50 का मुकाबला देखने को मिला है। थोड़ा सा वहां पर निकी के द्वारा रकम टैकल किया गया है और देवीधर को वहां पर चोट पहुंचाई गई है। मैच रेफरी बप्पा चक्रवर्ती पूरा एक्टिव है वो सिचुएशन को देखते हुए और क्या रिएक्शन उसके तरफ से देखने को मिलता है। फर्स्ट एड के लिए भी शायद जरूरत नहीं है, वहां पर रेफरी ने इशारा किया। नहीं, तो
बनाने के लिए मौका मिलेगा। मुश्किल परिस्थिति को आसान बनाने के लिए दोनों टीम को जीत सुनिश्चित करना होगा। बहुत ही एनर्जेटिक दोनों टीम जैक्सन तुरंत ही उन्हें पास से बढ़ाओ दिया। जर्सी नंबर 9 रहते खिलाड़ी बहुत ही मजेदार दिख रहा है। सुनीलाल टुडू बैटर नकल लहाड़े नवा ऑफसाइड रिया संकेत असिस्टेंट रेफरी प्रीतम दास बड़ी मौज लिखो असिस्टेंट रिया तो का पीछे रोल करा बखूबी दिखा तो रही जैक्सन चारा में हमारे बीच में मैं देख रहा हूं कलिक जी भी पहुंच गए हैं। कलिक चाय भंडार पातूर का सबसे फेमस चाय भंडार चाय दुकान और मैं समझता हूँ बड़े बड़े अधिकारी वहां पर चाय की चुस्की लेते हैं आनंद लेते हैं। कलिक जी भी प्रत्येक साल इस मैदान में मेहमानों के लिए जो चाय का व्यवस्था वो करते हैं और उसके चाय का जो स्वाद है ¿Qué es lo que
इनिंग्स वहां पर काफी बेहतरीन दोनों ही टीम उस सोच और लक्ष्य के साथ ग्राउंड पर उतरे हैं, क्योंकि ये सभी खाए मुकाबला है और अब तक भी गोल देखने को नहीं मिला है। खेल बड़ा ही बेहतर दोनों ही टीम दिखा रहे हैं, लेकिन गोल के अभाव इस मैच में और यहां से कौन सा टीम इस मैच को जीतेगा और सुपर टू में अपना जगह बना पाएगा। मेन स्टेज के बगल में मोटरसाइकिल जो भी रखे हुए हैं टेम्पो के अगल बगल ऐसे ही आप लोग योगी इधर उधर रख दिया है। विवेक मंडल जी की तरफ से एंट्री गोल मिल रहे 11,000 रुपए का नगद इनाम आ गया है। जो भी प्यारे एंट्री गोल लगेंगे आज दो सेमीफाइनल जो अभी एक मैच जो गोली बना है इस सेमीफाइनल मैच में भी और अगला सेमीफाइनल मैच में भी जो इस मैच के बाद जो अगला सेमीफाइनल लाए Ladies and gentlemen, there is an announcement for all the players, those who are playing on the ground right now. The players, those who will hit the ball for a hat-trick goal, they will be honored with 11,000 rupees. So players are requested, play safe and clean and hit the ball for a hat-trick goal. This is an opportunity for all the players right now. और थैंक यू वेरी मच जोसेफ जी। यहाँ से मैच अब धीरे धीरे अंतिम बिंदु की तरफ प्रस्थान कर रही है। यहाँ से अब देखना होगा इस आखिरी समय में कौन सा टीम इस मैच को जीतेगी। यहाँ से देख रहा है दोनों की टीम उस अपने सपने की मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या कौन सा टीम का सपना वो साकार होगा। कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो होते हैं मेरे दोस्त जो आपको सोने नहीं देते हैं।